आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी का हरियाणा से कांग्रेस पर हमला, मोदी बोले कांग्रेस को ना तो भारत की एकता की चिंता ना ही संविधान की। चीफ जस्टिस गोगोई ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, जस्टिस बोबड़े को नया सीजीआई नियुक्त की जाने की सिफारिश। मध्य प्रदेश में बच्चों पर भारी पड़ा शुक्रवार, अलग अलग हादसों में 5 बच्चों की मौत। सावरकर विवाद में सामने आए शिवराज सिंह, कहा दिग्विजय सिंह सावरकर के पैर की धूल भी नहीं। और कुत्ते के पिल्ले को लेकर हुआ विवाद, ग्वालियर में लड़के ने लड़कियों को पीटा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के गोहाना में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस पर हमला किया और कांग्रेस को एक लाइलाज बीमारी बताया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ना तो भारत की एकता की चिंता है ना ही संविधान की। हरियाणा के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में भी पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। उन्होंने जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, किसान, जवान के मसले पर विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को ना तो भारत की एकता की चिंता है ना ही संविधान की चिंता है। जिनको माँ भारती की चिंता नहीं है उनकी चिंता हरियाणा कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने इस जनसभा में कहा कि लोकसभा चुनाव में मैं आपका आशीर्वाद लेने नहीं आ पाया था, लेकिन बीजेपी को पूरी सीटें दी। जिनको भ्रम था कि वो पूरे क्षेत्र के मालिक हैं, उनका भ्रम जनता ने तोड़ दिया। गोहाना रैली में पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जीने वालों के लिए हरियाणा की जनता ने बहुत बड़ा सबक दिया है। उन्होंने कहा कि अखाड़ा चाहे कुश्ती का हो या फिर सीमा पर खड़े होने का हो, हरियाणा का नौजवान हमेशा तैयार रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या देश हित में हमें फैसला नहीं लेना चाहिए? हरियाणा की भावना को कांग्रेस और उसके दल समझ नहीं पा रहे। 5 अगस्त को क्या हुआ था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू किया। 70 सालों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के जो रुकावट थी उसे हमने 5 अगस्त को हटा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब से हमने फैसला लिया है तभी से कांग्रेस और उसके साथियों के पेट में दर्द हो रहा है और उनको कोई दवा काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के पेट में दर्द उसकी लाइलाज बीमारी बन गया है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ होती है। सर्जिकल स्ट्राइक बालकोट का नाम लेते हैं तो कांग्रेस हटपटाने लगती है। देश को पता है कि कांग्रेस को दर्द क्यों होता है। कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तान के काम आ रहे हैं। आज इस आयोजन के जरिए उसकी भरपाई हो रही है। मैं यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं का आभारी हूं कि उन्होंने आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य दिया। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद देने के लिए सर झुका करके आपको नमन करता हूं। साथियों, आपने लोकसभा चुनाव में बड़े बड़ों का अहंकार मिट्टी में मिला दिया। जिनको भ्रम था कि सोनीपत, रोहतक, जींद समेत इस पूरे क्षेत्र के मालिक है, उनको आप सभी ने, जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया। राजनीति के बाद अब बात करते हैं न्यायपालिका की। वर्तमान चीफ जस्टिस गोगोई ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर जस्टिस एस ए बोबड़े को नया सीजीआई नियुक्त की जाने की सिफारिश की है। रंजन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। अब उनका बतौर चीफ जस्टिस कार्यकाल खत्म होने में 1 महीने से भी कम समय का वक्त रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल 17 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। इसके चलते नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में परंपरा के अनुसार वर्तमान चीफ जस्टिस गोगोई ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर जस्टिस एस ए बोबड़े को नया सीजीआई नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। रंजन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। बतौर चीफ जस्टिस अपने कार्यकाल के दौरान रंजन गोगोई ने कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की है। इससे में अयोध्या, जमीन विवाद, एनआरसी और जम्मू कश्मीर याचिकाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण मसले शामिल रहे हैं। वे अपने कार्यकाल के अंतिम वक्त में ऐतिहासिक मामले अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई कर रहे हैं। गोगोई ने इस मामले का निर्णय अपने कार्यकाल में देने के लिए 40 दिनों तक रोजाना केस की सुनवाई की।
18 अक्टूबर को आखिरकार इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और गगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित ले लिया है। 15 नवंबर के पहले इस मामले में ऐतिहासिक फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। अब खबर मध्य प्रदेश से। आज कहें तो मध्य प्रदेश के लिए ब्लैक फ्राइडे रहा। शाजापुर और भिंड में हुए 2 अलग अलग हादसों में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। बड़ा हादसा शाजापुर के पास रिछौछा में हुआ, जहां एक स्कूली वैन परिसर में ही बने कुएं में जा गिरी। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। भिंड के बेसली नदी में डूबने से 2 बच्चे असमय मौत के मुंह में समा गए। मध्य प्रदेश में हुई 2 घटनाओं में 5 बच्चों की जान चली गई। शाजापुर के पास रिछौछा में एक स्कूली वैन स्कूल परिसर में ही बने कुएं में जा गिरी। हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद कुएं के आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी। पुलिस को भीड़ को वहां से हटाने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। बताया जा रहा है कि वैन को घुमाने में गाड़ी कुएं के अंदर चली गई। कुएं में कोई मुंडेर भी नहीं थी। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने रस्सी बांधकर वैन को कुएं से बाहर निकाला। ड्राइवर जब वैन को मोड़ रहा था, तभी उसका वैन से नियंत्रण हट गया और वो कुएं की तरफ बढ़ती चली गई। वैन में कई बच्चे और एक टीचर भी सवार थी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बहार निकाला गया, लेकिन इस हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा भिंड में हुआ, जहाँ बैठली नदी में 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई। ये दोनों चचेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि बच्चे नहाते नहाते गहरे पानी के अंदर चले गए थे। सीएम कमलनाथ ने घटना को लेकर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। अब बात करते हैं राजनीति के। वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग क्या हुई? राजनीति में भूचाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर इस मामले में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह है। शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री कमलनाथ को डराने के लिए गाय का इस्तेमाल करते हैं। शिवराज सिंह ने कहा, दिग्विजय वीर सावरकर के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। ग्वालियर में 17 गायों की मौत के बाद सियासत गाय तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा, कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था कि गौशाला खोलेंगे। वचन देकर मुकरना और गौ माता का मर जाना, ये गौ हत्या जैसा अपराध है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ को डराने के लिए गौ माता का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह गंभीर होते तो अकेले में जाकर कह देते कि गौ माता की व्यवस्था करो, लेकिन वे गंभीर नहीं है। गौ माता का राजनीतिक स्वार्थ साधने का साधन बनाए हुए हैं, इसलिए चुनाव में कहते हैं कि गौशाला बनवाएंगे। कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था गौशाला खोलने का। अब दिग्विजय सिंह कई बार कमलनाथ जी को डराने के लिए सीज कर देते हैं, तो डराने के लिए भी गौ माता का इस्तेमाल करते हैं। गंभीर होते तो अकेले में जाके कह देते कि गौशालों की व्यवस्था करो, लेकिन नहीं, गौ माता राजनीतिक स्वार्थ साधने का साधन है, इसलिए चुनाव में गौशाला बनाएंगे। पर अब सुनवाई कम होगी तो उनके फोटो खींच के और सोशल मीडिया पे डालेंगे, ताकि फिर उनको बुला लेके बताओ क्या कर रहे हैं। लेकिन गाय की चिंता कोई नहीं कर रहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के सवाल पर सवाल उठाए जाने से भी शिवराज काफी खफा नजर आए। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह वीर सावरकर के पैरों की धूल भी नहीं है। स्वतंत्र वीर सावरकर महान देशभक्त थे, चिंतक थे, विचारक थे, महान क्रांतिकारी थे। सारी दुनिया जानती है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जो शौर्य का प्रदर्शन वीर सावरकर ने किया, वो दुनिया में बिरला है। एक बार दिग्विजय सिंह अंडमान निकोबार जाएं, सेलुलर जेल जाकर देखें जहां वे बंद थे। 2-2 जन्मों की सजा उन्हें मिली थी। ये तो था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला। अब बात करते हैं कंप्यूटर बाबा की। कंप्यूटर बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नर्मदा किनारे किए गए पौधारोपण अभियान पर सवाल उठाए और कहा कि उनके 7 करोड़ में से 700 पौधे भी नहीं बच पाए। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि नर्मदा किनारे शराब नहीं बिकने दी जाएगी। नदी न्यास के प्रमुख कंप्यूटर बाबा ने हरदा जिले का भ्रमण किया। कंप्यूटर बाबा ने टिमरनी में नर्मदा युवा सेना के कार्यकर्ताओं से भेंट कर अवैध रेत उत्खनन पर चर्चा की। यहाँ कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिवराज सिंह ने 7 करोड़ पौधे लगवाए, लेकिन उनमें से 700 भी नहीं बचे। इस मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नर्मदा किनारे शराब बेचे जाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और तुरंत इस पर रोक लगाने को कहा। अभी कलेक्टर को मैं इस बात पर मैंने तो बात नहीं की, पर अभी तुरंत बात करता हूं कि यदि अवैध शराब नर्मदा किनारे है तो उसको तत्काल बाहर किया जाए। कंप्यूटर बाबा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं नर्मदा नदी में हो रहे प्रदूषण व रेत का अवैध उत्खनन पर रोक लगाने हेतु चर्चा की। सर्किट हाउस में वृक्षारोपण भी किया। नगर पालिका निगम रीवा के आयुक्त सभाजीत यादव की कार्य प्रणाली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने आयुक्त सभाजीत यादव को चूड़ियां पहनाई। बीजेपी का आरोप है कि पिछले 10 महीने से रीवा में विकास के काम ठप पड़े हुए हैं।
रीवा में भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव के बीच स्थितियां सामान्य होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने सभाजीत यादव के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 10 महीने से नगर निगम ने विकास कार्यों को रोक दिया है, जिससे शहर का हर वर्ग परेशान है। नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव पर आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि नगर निगम रीवा में 2000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हैं, जिन्हें अभी तक गरीबों को सौंपा नहीं गया है, तथा आयुक्त के द्वारा अपने दलालों के माध्यम से आवास देने के एवज में राशि की मांग की जा रही है। आयुक्त का विरोध करने आई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आयुक्त के कक्ष में पहुंची और उन्हें चूड़ियां पहनाई। आप चुपचाप चूड़ी पहनिए और घर में बैठिए, और वो जब से आए हैं सिर्फ उनमें हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता कर रहे हैं। नहीं, हमारा रीवा जो था एक विकास के नाम से यह शहर जाना जाता था, विकासशील शहर जाना जाता था, लेकिन आज 10 महीने में सारा विकास ध्वस्त हो चुका है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम सब कोई आए थे। इस अप्रत्याशित चूड़ी कांड से आयुक्त भी हैरान परेशान नजर आए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या नहीं। चूड़ियां भेंट किए जाने के बाद आयुक्त सभाजीत यादव ने कहा, नेताओं के विरोध का अपना तरीका है, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं प्रतिक्रियावादी नहीं हूँ, मैं अपना काम अपने तरीके से कर रहा हूँ। विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 10 माह में नगर निगम के इतिहास में सबसे ज्यादा विकास के कार्य किए गए हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है। जितनी गति विगत 10 महीने में आई है, हुई है, इतनी गति पूरे नगर निगम के इतिहास में 5 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है, उतनी गति किसी काम पे नहीं हुई थी। रीवा में कमिश्नर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच लंबे अरसे से जंग जारी है। देखना होगा ये जंग कब जाके समाप्त होती है। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में प्रसूताओं को सुविधा देने के लिए चलाई गई जननी एक्सप्रेस की लापरवाही की कई कहानियां आप तक सामने आ चुकी हैं। इसमें सागर का एक मामला और जुड़ गया है, जब जननी एक्सप्रेस समय पर नहीं पहुंची और महिला को खुले में प्रसव करवाना पड़ा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे हैं। अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बावजूद भी खुले में प्रसव होने की खबरें आना आम बात है। सागर जिले के रैली में समय पर जननी एक्सप्रेस वाहन न पहुंचने के कारण प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला ने रामनगरी वार्ड में देवी जी के चबूतरे पर खुले में बच्चे को जन्म दिया। महिला की हालत देख आसपास के लोगों ने मदद कर महिला व नवजात शिशु की जान बचाई। इस सब के बाद जननी एक्सप्रेस वाहन वहाँ पहुँचा, जिससे महिला और नवजात शिशु को अस्पताल भेजा गया। जिस स्थान पर प्रसव हुआ वहाँ के स्लिम अस्पताल की दूरी मात्र 100 कदम है, लेकिन स्लिम अस्पताल में प्रसव कार्य नहीं किया जाता है। प्रसव के लिए 3 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल लोगों को जाना पड़ता है। नागरिकों का कहना है कि स्लिम अस्पताल में भी प्रसव की सुविधा सरकार को शुरू करना चाहिए। मामला ये था कि डिलीवरी होना थी, तो वो जो बहू थी वो परेशान थी, तो 108 को फोन लगाया तो उसने बोला था 4 घंटे लेट है, तो इसलिए हमने फिर जननी एक्सप्रेस को लगाया था। तो वीरेंद्र अस्पताल से आ रहा था, उसके डिलीवरी के 10 मिनट बाद गाड़ी आई। आज सुबह एक डिलीवरी आई है, जिसमें अभी चच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी वार्ड नंबर 5 के हैं, उनने गाड़ी को फोन लगाया वो जर्नी, तो जर्नी 108 कहीं बिजी होने के कारण थोड़ा लेट हो गई है, लेकिन वो आते डिलीवरी आई है अस्पताल में, जिसका बाहर हो गई थी, लेकिन नरा वगैरह और ये सब अपन ने अस्पताल में ही उसको अच्छे से काट के बच्चों को अच्छे से केयर करके दोनों स्वस्थ। फिल्म अस्पताल में डिलीवरी कराने का कोई प्रावधान नहीं। भोपाल नगर निगम के बंटवारे के विरोध में बीजेपी सड़कों पर आ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया और शहर में मशाल जुलूस निकाला।
नगर निगम चुनाव की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल नगर निगम को दो हिस्सों में बांट दिया है। बीजेपी को एक कतई मंजूर नहीं है। ऐसे में तमाम बुद्धिजीवियों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सरकार के फैसले को गलत ठहराया है। इस फैसले के विरोध में बीजेपी ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने इस जुलूस को रोक दिया। जुलूस में महापौर आलोक शर्मा, विधायक कृष्ण गौर, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। बीजेपी ने जिला प्रशासन को नगर निगम के बंटवारे के विरोध में ज्ञापन सौंपा। कृष्ण गौर, महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विभाजन की राजनीति करती है, पहले देश को बांटा, अब भोपाल को दो भागों में बांटकर गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने कहा, सड़कों पर विरोध के अलावा जन जागरण अभियान के साथ भोपाल में दो नगर निगम बनाने का विरोध किया जाएगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जो कमलनाथ सरकार है, भोपाल को दिग्विजय सिंह जी की हार के बाद ये जो दो हिस्से कर रही है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे कर रही है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पे कर रही है। ये आरोप हम ऐसे नहीं लगा रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो वार्डों का सीमांकन होगा, उस सीमांकन में जो हमारे माइनॉरिटी के बूथ हैं उसको मेजॉरिटी के वार्डों में डाला जाएगा। इस प्रकार से एन के एन प्रकरण करके भोपाल में राजनीतिक रूप से किस प्रकार से कब्जा किया जाए, क्योंकि जब भी कांग्रेस आती है वे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनाव कराती है। अवैध संबंध बनाने के लिए परेशान करने वाले कोटवार की एक ग्रामीण महिला ने हत्या कर दी और उसके शव को पास के नाले में फेंक दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर आरोपी महिला और उसकी सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरदा के रेहटगांव तहसील के ग्राम रवांग में कोटवार की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने हत्या की आरोपी महिला और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुरेखा निमोद ने बताया कि 11 अक्टूबर को ग्राम रवांग के कोटवार बिशन लाल का शव गांव के नाले के पास गड्ढे में मिला था। रेहटगांव पुलिस द्वारा गांव के सरपंच जगदीश काजले की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बिशनलाल एवं हत्या के मुख्य आरोपी रामप्यारी बाई के अवैध संबंध थे। घटना के दिन महिला का पति घर पर नहीं था, इसी दौरान बिशनलाल महिला के घर आया था और महिला से जबरदस्ती करने लगा। इससे परेशान होकर महिला ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि बिशनलाल उसे परेशान करता था। घटना की रात बिशनलाल 11 बजे घर आया। बिशनलाल ने परेशान किया तो उसने कुल्हाड़ी से बिशनलाल की गर्दन पर 3 वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। बिशनलाल की हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए महिला ने अपनी सास रिचाया भाई से मदद ली। दोनों ने गोदली बिछाकर बिशनलाल के शव को सिर पर उठाकर नंद किशोर यादव के खेत के पास नाले में फेंक दिया। पुलिस ने रामप्यारी और उसकी सास रिचाया भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से इन्हें जेल भेज दिया गया। पड़ोसी के झगड़े और पत्नी के अलगाव से परेशान होकर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि युवक डिप्रेशन का शिकार था और डिप्रेशन में उसने एक कदम उठाया। ये मामला ग्वालियर का है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के तिगरा बाईपास रोड पर एक युवक ने खुद को गोली मार ली। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि विजय कुशवाहा नाम के युवक ने देसी कट्टे से खुद को मार लिया। इस युवक के भाई का आरोप है कि पड़ोसी से विवाद के चलते विजय बहुत हताश था और इसी हताशा में उसने ये कदम उठाया। मृतक के पास मिले सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र है। छतरपुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार 3 लोगों ने जैसे तैसे बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित किया। जब तक इस आग पर काबू पाया गया, कार जलकर खाक हो चुकी थी। बिजावर रोड पर दौड़ रही एक कार में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। कार धू-धू करके जलने लगी। इस कार में नंदगाय बट्टन के सरपंच सहित 3 लोग सवार थे। वे अपनी सूझबूझ से समय रहते कार से बाहर आ गए। ये लोग बिजावर जा रहे थे तभी कार में अचानक आग लगी। कार में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। कार की आग बुझाने फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। आ रहे थे गंज से, आ रहे थे घर जा रहे थे, तो धीरे धीरे आग लगी उसमें, तो हम उतर के भाग गए। हमने 100 नंबर लगाई तत्काल। एक कुत्ते के बच्चे को लेकर एक युवक ने 2 युवतियों के साथ मारपीट कर दी। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो दादागिरी कर रहे युवक के होश ठिकाने आ गए और उसने युवतियों से माफी मांग ली। इस घटना के बाद इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस शख्स को देख लीजिए, ये अपने आप को मर्द बताता है और महिलाओं पर हमला करता है। ये वीडियो ग्वालियर के दानावली इलाके का है। इस दुर्गेश नामक युवक ने कुत्ते को लेकर इन युवतियों के साथ मारपीट की। नेहा और शिल्पी एक कुत्ते के बच्चे की देखरेख करने पहुंची थी। यह इस आदमी को नागवार गुजरा। यह उस समय कुत्ते को नगर निगम की कुत्ता गाड़ी में भेजना चाहता था, लेकिन जब इन युवतियों ने इसका विरोध किया तो इसने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। इन पीड़ित युवतियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। तब तक इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को सख्त होता देख युवक की सारी दादागिरी रखी रह गई और इसने लड़कियों से माफ़ी मांगकर मामले को ख़त्म किया।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।